क्यूरियस माइंड, हम सब जानते हैं कि हमें नेटिव प्लांट लगाने चाहिए, यानी ऐसे प्लांट जो भारत की मूल प्रजाति है, ना कि किसी विदेशी पौधे को हमारे गार्डन में। इसीलिए मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक नेटिव प्लांट, एक नेटिव फ्लावरिंग प्लांट जो कि बहुत सुंदर है। और खास बात है कि इसको शेड पसंद है, यानी अगर आपके गार्डन में ऐसा कोई कॉर्नर है जहाँ पर शेड आती है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसका बोटेनिकल नाम है एग्बोलियम लिम्बस ट्रिनम। इस स्पीसीज के बारे में आज बात करेंगे और इसके शानदार फ्लावर्स को हम देखेंगे। खास जो इसके फीचर्स होते हैं इस प्लांट पे, उसके ब्रैक्स होते हैं, जो स्पाइकी चीज़ होती है जिसपे फ्लावर आते हैं वो इसके हाईलाइट होते हैं। एक नेटिव प्लांट लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम एक्जॉटिक विदेशी प्लांट लगाएंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक चेन ऑफ इवेंट ऐसा बनता है कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है, वो इन्वेजिव बन जाता है। नेटिव प्लांट्स लगाने से जो छोटे जीव होते हैं जैसे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी भी हम इनडायरेक्टली मदद कर रहे होते हैं। ये प्लांट नंबर में कम होते जा रहे हैं, इसकी संख्या कम हो रही है, रेयर होते जा रहे हैं, इसीलिए एक तरीके से इस प्लांट की भी कंजर्वेशन हो सकती है हमारे गार्डन में। ये एक हर्ब है और डार्क ग्रीन कलर के इसके पत्ते होते हैं। ग्राउंड कवर के तौर पर हम इसको लगा सकते हैं। शेड लविंग प्लांट है, यानी ऊपर आपके कैनोपी वाले पेड़ है और एक ऐसा कॉर्नर है गार्डन में जहाँ पर बहुत छाव आती है, धूप नहीं आती है, धूप चाहिए लेकिन तेज धूप नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। और इनको गमलों में भी ग्रो किया जा सकता है, घरों में शेडी एरियाज में। तो ये जो स्पीसीज है एग्बोलियम लिंगुस्टिनम, ये एकेंथसी फैमिली की, और इसको इसके सिनोनिम्स है, और इसको कॉमनली श्रिम प्लांट, ग्रीन श्रिम प्लांट, क्रोसांड्रा भी कहा जाता है। क्रोसांड्रा इसलिए क्योंकि हमने देखा है एक स्पीसीज के बारे में, मैंने वीडियो बनाया था क्रोसांड्रा इनफंडिबली फॉर्मिस, जो कि इसी की तरह दिखाई देता है, और एक जो अडुलसा आता है वो भी इसी की तरह दिखाई देता है, लेकिन डिफरेंस होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस समझ पाएंगे। इसीलिए आपने इसको मड़ी रोड साइड पे भी देखा होगा जहाँ पर बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं उसके नीचे भी अच्छे से ग्रो करता है। और इस प्लांट के जो फूल है वो मानसून में आते हैं, बरसात में आते हैं और पोस्ट मानसून पीरियड तक रहते हैं, यानी जून से दिसंबर तक इनमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है एरिया वाइज। और ये प्लांट जो है इसके फूल कई सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इरेक्ट श्रब है और अंडर स्टोरी है, रेयर होते जा रहे हैं। इनके फूलों के रंगों की बात करें तो टर्कोइज कलर का शेड नजर आता है, बहुत ही एक यूनिक कलर है, और चार साइडेड इनमें फूलों के स्पाइक्स नजर आते हैं ब्रांच के एंड में, और इनके ब्रैक्स ओवल होते हैं, एंटायर होते हैं। स्पीसीज गलेट फ्लावर्स को प्रोड्यूस करती है जो बायलैबिलेट कोरोला जिसमें होता है, और लंबे स्लेंडर ट्यूब्स होते हैं। इनके फूलों में एक दिन की लॉन्जिविटी होती है, यानी एक दिन तक इनके फूल। अगर हम एग्बोलियम लिंगुस्ट्रिनम के लीव्स की बात करें तो ओवेट, लैंसुलेट, ग्लॉसी और डार्क ग्रीन लीव्स होते हैं। फ्लावर्स यूजुअली ब्लू वायलेट होते हैं, ट्यूबुलर शेप होता है, स्पाइक्स में अरेंज होते हैं। और एक स्पीसीज आती है जिससे कन्फ्यूजन होता है, एग्बोलियम विरिदे। एग्बोलियम विरिदे और इसमें एक सिंपल डिफरेंस मैं बताता हूँ, ब्रैक्स को देखना है, अगर ब्रैक्स जो है इनमें एलिप्टिक है तो वो लिंगुस्ट्रिनम है, और ब्रैक्स अगर ब्रॉडली ओवेट है तो वो एग्बोलियम विरिदे है। ये डिफरेंस होता है। और साथ ही में जो विरिदे है उसमें ग्रीन फ्लावर्स होते हैं, ग्रीन येलोइश, और इनफ्लोरेसेंस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप डिस्क्रिप्शन में देखकर और डिटेल में दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं दोनों स्पीसीज में। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, यहाँ पर आपको एक लिंक स्पाइडर दिख रहा होगा, वो यहाँ पर उसको एक अच्छी स्पॉट मिल जाती है क्योंकि जो अनसस्पेक्टिंग इंसेक्ट्स इस फ्लावर को विजिट करते हैं उनका ये शिकार करता है, और लिंक स्पाइडर को मैं इस प्लांट के साथ एसोसिएट करता हूँ। आप भी इनको जरूर इन प्लांट्स पर देखो। साथ ही में अंत में इतना ही कहूँगा कि एक रीजनली थ्रेटेंड स्पीसीज बनती जा रही है जिसका कॉन्जर्वेशन जरूरी है, और एक सुंदर प्लांट है जो आपके गार्डन में होना चाहिए।